फ्रेंड आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी गार्डन में। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं ये रेड कलर का एक जोड़ा का प्लांट है, ये मुझे लाए हुए एक सप्ताह हो गया होगा और येलो भी था, येलो को तो मैं रिपोर्ट कर दी हूँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से रिपोर्ट करना। और जब भी आप नर्सरी से प्लांट लाएँ तो उसको 5 से 7 दिन अपने गार्डन में छोड़ दें। गार्डन में छोड़ने से जैसे हमारा इन्वायरमेंट है हमारे गार्डन का उस तरह का हो जाएगा, प्लांट उसी में ढल जाएगा। तो प्लांट को आप लगाइए तो प्लांट नहीं मरेगा, नर्सरी से तुरंत ला कर अगर प्लांट को रिपोर्ट कर देते हैं तो प्लांट ख़राब हो जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं इसका फ्लावर भी सब स्पेंड हो गया। अब चलिए मैं इसको दिखाती हूँ किस तरह से लगाना और इसका मिट्टी किस तरह से तैयार करना है। ये आप देख सकते हैं ये 12 इंच का मिट्टी का पॉट है, इसमें मैंने होल थोड़ा सा बड़ा कर लिया है क्योंकि इसको पानी नहीं ज़्यादा रुकना चाहिए। इस तरह से बनाना है आपको। इसके ऊपर ये एक छोटा सा पत्थर स्टोन जो है तो मैं रख दे रही हूँ और कुछ स्टोन साइड साइड से रख दे रही हूँ इस तरह से। और इसके मिट्टी के लिए मैंने कंपोस्ट में कोकोपीट में मैं लगा रही हूँ, मेरे पास में सैंड नहीं है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये जो है आपको भींगा हुआ दिख रहा होगा क्योंकि बारिश हो रहा है, छत पर रखा हुआ ये जो है कंपोस्ट, ये जो आप देख सकते हैं ये कोकोपीट है, ये सैंड मिला हुआ मिट्टी है जो मेरा गार्डन में है वही है सैंड मिला हुआ। इसमें ये तीनों को बराबर बराबर मात्रा में बांटें और ये आप देख सकते हैं ये कंपोस्ट है, कंपोस्ट को भी इस तरह से बराबर बराबर मात्रा में तीनों को लेना है, ऐसे ही तीनों को मिला देना, अच्छे से मिलाना है। आप देख सकते इस तरह से मिला करके इसमें भरना है। अगर आपके पास में सैंड है तो आप सैंड भी मिला सकते हैं, मेरे पास में सैंड अभी ख़त्म हो गया है इसलिए मैं कोकोपीट में लगा रही हूँ। कोकोपीट जो है पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखता है, पानी भी गमले में रुकने नहीं देता है। इस तरह से आपको मिला देना है। मिलाने के बाद इसमें आपको 2 चम्मच फंगीसाइड पाउडर मिलाना है, इसमें कोई भी आपके पास जो हो आप उसको मिलाना है। ये मेरे पास में बेवेस्टिन है इस तरह से 2 चम्मच, क्योंकि बारिश का मौसम है तो फंगस लगने का डर होता है। इस तरह से आपको 2 चम्मच मिला देना है। मिलाने के बाद इसको अच्छे से इसको मिलाना पड़ेगा। चलिए इसमें कंपोस्ट ये जो मिट्टी जो मिला करके हम लोग रखे हुए हैं इसको भर देते हैं। देख सकते इस तरह से भरना है। आधा भरने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से आधा भरने के बाद इस प्लांट को आप रख करके देख सकते हैं। ये प्लांट की जो मिट्टी है ये भुरभुरी मिट्टी है, अगर चिकनी मिट्टी रहेगी तो आपको मिट्टी हटाना पड़ेगा, लेकिन ये जो मिट्टी है ये भुरभुरी मिट्टी है इसलिए मैं इसको नहीं हटा रही हूँ, इसको डायरेक्ट इस तरह से बीच में रख देती हूँ। देख सकते इस तरह से इसकी मिट्टी जो है एकदम सख्त नहीं है, इस तरह से बीच में एकदम बीच में रखने के बाद इस तरह से आपको साइड साइड से भर देना है। जैसे साइड से भर देना है, ये देख सकते हैं पूरा भरने के बाद इसको अच्छे से दबाना है, हाथ से दबा दीजिए, इसे दबा दीजिएगा ताकि इसके अंदर में कोई भी बीच में गैप ना हो। इस तरह से दबा दीजिए चारों तरफ से, देख सकते हैं कितना इसका मिट्टी जो है भुरभुरी है। जब भी आप कोकोपीट मिलाइएगा मिट्टी आपका एकदम भुरभुरी और अच्छी मिलेगी। इस तरह से दबा देने से अगर बीच में गैप रहता है तो प्लांट जो है ख़राब होने का डर होता है। इस तरह से अच्छे से दबा करके और जब भी आप कोई भी प्लांट लगाए रिपोर्ट करें तो आप उसी समय इसको पानी डालना ज़रूरी होता है। पानी डालने से होता है पता चल जाता है कि पानी इसमें रुकता है या नहीं। इस तरह से पानी डाल, जब भी आप कोई भी प्लांट लगाए पानी ज़रूर डालें और पानी इतना डालना है कि नीचे से इसका जो नीचे होल बना हुआ प्लांटर का उससे पानी निकलना शुरू कर दे। इस तरह से आपको बनाना है। और जो भी इसमें ख़राब पत्ता है, जो भी इसमें ख़राब है देख सकते हैं इसमें कीड़ा लगा हुआ है या इस तरह से सूखा हुआ प्लांट का जो लीफ है इस तरह से आप इसको हटा दें। ये जो प्लांट का ये जो ऊपर देख सकते हैं इस तरह से ये सूख गया ख़त्म हो गया है, तब आप इसको यहाँ से तोड़ दीजिएगा। ऐसे तोड़ना है, ये मैंने काटने वाला ऊपर लेकर के नहीं है, इस तरह से तोड़ करके आप हटा दीजिएगा। ये प्लांट जो है यहाँ से बहुत जल्दी नया नया इसमें लीफ निकल सकता है, देख सकते हैं इस तरह से आप देख सकते हैं इधर से नया नया जो है लीफ निकलने लगा। और जितना नया नया ब्रांच निकलेगा इस तरह से जितना नया नया ब्रांच निकलेगा ये दोनों जगह पर से ये प्लांट उतना ही बूसी हो जाएगा और फ्लावर उतना ही देगा, क्योंकि जब भी होगा तो नया ही प्लांट में नया जो ये जो प्लांट निकलता है उसी में फ्लावर देता है। जितना भी सूखा हुआ इस तरह से है डैमेज है उसको आप हटा दें, ऐसा हटा दें।
उसमें स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने से होता है क्योंकि नर्सरी से जो भी मैं लेके आती हूँ प्लांट, तो कभी कभी उसमें फंगस लगा हुआ रहता है और आपके प्लांट में बीच में रखने पर उस प्लांट पे भी आपको इफेक्ट करेगा। तो इसलिए कोई भी फंगीसाइड पाउडर उसके पूरे प्लांट के लीफ पर इस तरह से आप स्प्रे कर दें। स्प्रे करने से होगा कि इसमें जो भी अगर लगा हुआ कोई भी फंगस तो भी मर जाएगा और दूसरे प्लांट में भी नहीं लगेगा। इस तरह से आप कोई भी इसमें मैंने साफ फंगीसाइड पाउडर 1 लीटर पानी में लेकर के 1 चम्मच घोल करके अच्छे से पूरे प्लांट को ऊपर से नीचे जितने भी इसके लीफ हैं सबको ऊपर से नीचे आप इस तरह से स्प्रे कर दें। स्प्रे करने से होगा कि इसमें जो भी कीड़ा वगैरह लगा हुआ फंगस लगा हुआ वो मर जाएगा और अच्छे से प्लांट भी हेल्दी रहेगा और फ्लावर भी इसमें खूब अच्छे से हेल्दी देगा। बस इस तरह से आपको करना है और इसको धूप में अभी इसको 1 से 2 दिन किसी छांव में लगा जगह पर रख दें ताकि ये अभी जो ये तुरंत प्लांट लगाया गया है ना इसलिए ये प्लांट खराब होने का डर था, इसको किसी छांव वाली जगह पर रख दें और 2 से 3 दिन के बाद फिर इसको धूप में रख दें। ये भी फूल सन में ग्रो होने वाला प्लांट है और जितना ज़्यादा धूप पड़ेगा फ्लावर उतना ही खिलेगा। इस तरह से आप इसको धूप में रख दें। अभी आपको लगाने के तुरंत बाद आपको धूप में नहीं रखना है, लगाने के बाद 2 से 3 दिन तक आपको छांव में रखना है, उसके बाद आप इसको धूप में निकाल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, मेरे चैनल पर नया है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना और अपने प्लांट का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।